तारीख 10 से लेकर 12 तारीख जो बंद हुआ है एपीएससी के स्कोप को लेकर, तो कई डिटेन हुआ है। तो जो पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन काम है, जो मैं तो कहूँगा कि काफ़ी तारीफ करता है, बहुत सक्षम से काम कर रहा है। इसी तरह से पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जितना ये टिपिकल डिजन का जो काम करता है, करप्शन, अदर करप्शन केसेस को भी ऐसा करने से अच्छा है। और अब देखा गया कि अभी कोई हम लोग को बोलने से, जन कल्याण संगठन को बोलने से एक क्रेडिट लेता है, ये भी बोल सकता है। अभी ये हाल ही में आपको दिखाई देता है, ये कहीं कहीं में स्मार्ट सिटी का और म्यूनिसिपल केस को लेकर हमने काफ़ी सुधार में लाया है, लेकिन पब्लिक कभी नहीं बोलेगा इन लोग का वजह से ये सुधार में आया है, कुछ काम हुआ है, आप लोगों को तो बहुत काम देखने को तो मिल रहा है अभी। तो ऐसा क्रेडिट नहीं देगा, फिर भी हम यहाँ पर टिप्पणी नहीं करेगा, सीधा आपका पॉइंट पे आएगा। तो वहाँ पे अभी हम लोग करप्शन केसेस को लेकर विजिलेंस में, एसआईसी में कंप्लेन देखे रखा है, और यहाँ ऐसे हम लोग ऐसे अभी हम लोग रिफर कर रहा है। उस बीच में हम लोग का बीच में मुठभेड़ भी हुआ था कॉरपोरेटर और आपका मेयर का बीच में, और उसमें किडनेप हुआ और सारा हम लोग केसेस जो डाल के रखा है। पुलिस उस पर काम नहीं करता है, अगर हम चाहते हैं उस पर भी काम करने से सही रहेगा। इसी तरह से अभी जैसे आपको एक्ट में लगा के अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट को लेकर ये लगाया गया। देखिए ये एक्ट ऐसा है, ये अरुणाचल में एक्चुअली में कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ख्याल से शायद किसी स्टेट में नहीं भी है प्रिवेंशन। ये मैं तो सीधा बात बोलूँगा, ये जब कांग्रेस शासनकाल में बनाया था, और ये एक्ट को नहीं जान के हमारा लीडर ने बनाया, कोई उसको मिसयूज़ करने कर दिया, कि कोई किसी बड़ा बुजुर्ग नेता को मिसयूज़ कर दिया। जो एमएलए लोग हैं, जो पावर हंगर लोग हैं, जो पहले उन लोगों को एक कैलकुलेशन रह गया कि आने वाला दिन में हम लोग ही सरकार चलाएगा बोल के, ये लेकर ये एक्ट को पास करके रखा है। ये तो एक बहुत मतलब ड्रैकोनियन एक्ट है, ये हमारा, ये जैसे टेरोरिस्ट लोग को या कोई बहुत बड़ा घटना होने वाला है तब जाके इनको प्रिवेंशन के लिए, कोई देश या प्रदेश या कुछ भी नुकसान होने वाला है तब जाके ये एक्ट को लगाया जाता है। लेकिन अभी ये पेस्को में देखा है ऐसा तो कुछ बात तो है नहीं, ये कोई लोग पीसफुली मीटिंग बेहतर आए उनको भी मतलब नेगेटिविटी गवर्नमेंट का ये हो रहा है कि इधर कहीं मीटिंग हो गया तो किसी कहीं गैदरिंग हो गया तो अपा एक्ट सभी को डिटेन कर रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जितना जो गवर्नमेंट अभी जो डिटेन जो किया वाला है वो आप बन कॉल से पहले किसी को किया, बाद में किसी को किया, तो उस समय बन कॉल में तो इतना हार्ड एंड पास तो नहीं हुआ है। अपना लड़का लोग है, कोई कोई कॉलेज स्टूडेंट लोग है वहाँ पे जो, और कोई वोमेन लोग है, और जो लेदर, चारों लेदर को तो अरेस्ट तो करेगा ही, वो तो कर ही लिया, तो शुरुआत 9 तारीख में कर लिया। तो बाकी को मेरा ख्याल से छोड़ देने से सही रहेगा, क्योंकि उनका करियर का भी बात है, कोई वुमेन है, कोई हार्ट पास, तो किसी को सुना है यूट्यूबर लोग को किसी को अरेस्ट हुआ है, ऐसे तो हमको पता नहीं कितना लोग अरेस्ट हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है, पेपर में देख रहा है, आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा है, ये है। तो ये ड्रैकोनियन लॉ को स्टेट असेंबली में अभी हम लोग चाहता है कि थोड़ा इसको एबुलेस करना, ठीक करना, सही करना है। इतना ड्रैकोनियन लॉ जो देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यहाँ ख़त्म होता है, सबका आवाज़ एज, हम यह डेमोक्रेसी कंट्री में बिता हुआ है, तो यहाँ में हमारा जब गलत कर रहा है, सिस्टम में गलत कर रहा है, आवाज़ हम कहाँ उठाएगा? आवाज़ नहीं उठाएगा, जब आवाज़ उठाता है तो मानता नहीं है, कागज़ क्रॉस पेंडिंग करता, सरकार ढंग से काम नहीं करता। अभी जैसे मैं कंप्लेन का जिक्र किया, हमारा कंप्लेन को लेकर 6-7-8 साल भर अभी हो ही गया, तो इतना नहीं वो नहीं होता है। तो अभी जैसे अभी बन कॉल हो गया, जैसे बन कॉल तो हम भी नहीं मानता है, उसमें तो काफ़ी हैंड टू माउथ वाला को, डेली वेजेस को, और जैसे बाज़ार में बेचा हुआ है उनको तो सब्जी बिक्री का नुकसान तो है, फिर भी
जब उसमें सिस्टम में पेस्को में करप्ट किया है बोल के उन लोगों को प्रोटेस्टर लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब जाके बंद को अनाउंस करना पड़ रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है उन लोगों को भी जो बंद को ला रहे उन लोगों को भी अभी पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूटिव मीटिंग बैठ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोग भी बंद कॉल कर दिया, अभी सारा लोगों को ऐसा दाउत में मतलब पूरा जो भी अभी जैसे हम अभी मीडिया बोलो मेरा भी बात में मतलब ऐसे एक साइको मतलब पैनिक क्रिएट कर दिया कि अरे ये बोलने से कुछ करेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हर एक चीज़ को थोड़ा कैलकुलेशन में जाना है, कोई बोलता भी तो अच्छा के लिए बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई हर एक आदमी को एक नज़रिया से नहीं देखना चाहिए। ये है मेरा बात। ट्रोल तो किसको नहीं करता है, आप अच्छा करो तभी भी ट्रोल होगा, ज़्यादा करो तभी भी ट्रोल होगा, बुरा करो तभी ट्रोल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अपना काम कर रहा है कि वो उनको भी तो ऊपर से आदेश सरकार से आदेश आया है, पुलिस जो ड्यूटी कर रहा उनको भी आदेश आया है अपना काम करना है, वो भी ड्यूटी वाले क्या करेगा, तो उसको तो ट्रोल करके तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ अभी ट्रोल उस तरह से जा रहा है कि जो अभी जैसे प्रिवेंशन लॉ को लेकर मतलब डिटेंशन में थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रोल भी हो रहा है। तो ये मेरा देखने मतलब जहाँ तक कि मेरा जो आप हम भी सोशल मीडिया में देखते हैं उसी हिसाब से है। तो आपको क्या लगता है जो डिटेंशन पीरियड था जो है 12 दिनों का उसको बढ़ा के 30 दिन का कर दिया, तो क्या वो सही निर्णय है? देखिए गवर्नमेंट का प्रोविजन में अगर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर में होता है, सरकार का पावर और उसमें होने से शायद मेरा ख्याल से एक्सटेंशन उनको कहीं ना कहीं लगा होगा सही है तो वो किया है। इसलिए तो हम लोग तो एज ए लेमैन एज ए क्या कर सकता है सिटीजन, अभी उनको रिक्वेस्ट करेगा कि इन लोगों को भी एक बाउंड साइन करवा के पीस बाउंड साइन करवा के टेंडी या प्रोटेस्टर लोग बंद कोला लोग को बाहर निकाल लेने से अच्छा रहेगा। सर आपको क्या लगता है कि जो तेची पुरु का जहाँ तक बात है और कुछ और एक दो लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं उस बारे में उसमें क्या क्या उन्होंने किस हिसाब से वो किया है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जानेगा, तो सरेंडर करना नहीं करना ये तो हम टिप्पणी नहीं करेगा। क्यों बोलने से और आप एडमिनिस्ट्रेशन अपना पार्ट में सही लगता है तो प्रोटेस्टर और जो अभी एक्सपीरियंस का लीडर है वो अपना पार्ट में सही लगता है, तो हम लोग को अभी नहीं बोलना है ये सरेंडर कर देना नहीं करना, ये हमारा टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों अपना अपना पार्ट में जस्टिफिकेशन तब होगा जब हम सब सारा CBO मिलके सारा FPCC मिलकर सारा स्टूडेंट यूनियन मिलकर एक कंसल्टेटिव मीटिंग बैठकर तब जाके इसको रिजोल्व करना है, ताकि उसमें आग लगाना नहीं, उसमें हमको शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग सब लोग मिलके एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक्सपीरियंस एक दूसरे का बात को ख़त्म करना है। तो अभी ऐसा नहीं है कि सरकार भी काम नहीं कर रहा, काम भी तो कर रहा है, लेकिन उन लोगों को भी एक्सपीरियंस लोग को लेदर लोग को एक्सपीरियंस का लेदर लोग को जितना जो अपन अरुणाचल जो इन स्टेयरिंग कमीज है कुछ ना कुछ उन लोग अनसेटिस्फेक्शन लगा होगा, तो इसलिए प्रोटेस्ट जो कर रहा है। तो मेरा जो मानना है जो स्टूडेंट लोग डिटेनिस है उनको मतलब एक ऐसा होता है कि मेंटली एक ट्रोमा चला जाता है जब आदमी जेल में देखेगा कुछ एक देखेगा, तो बाद में ये एक ऐसा कहीं ना हो कि मतलब धीरे धीरे ये ऐसा भी नौबत ना आओ कि हम अच्छा करने का जगह में बुरा ही निकल जाए। ऐसा सरकार से मेरा भी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस से इतना भी नहीं करना चाहिए आदमी नेगेटिव माइंड तक जाने के लिए, ये है मेरा जो एकदम उन लोग से एकदम बीच का रास्ता जो यही मेरा मानना है। जब कानून तो बनाता है तो कानून अच्छा के लिए ही बनाता है, लेकिन उनको यूज़ करना ये है ड्रकोनियन लॉ को भी ड्रकोनियन कानून को भी ड्रकोनियन लॉ को भी तो एक मतलब आराम से भी चला सकता है। देखिए कानून जब बनाता है लोगों के लिए अच्छा के लिए बनाता है, तब जब ज़रूरत होगा इम्प्लीमेंटेशन, ज़रूरत नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो चाहे तो इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है नहीं करता है, सरकार का बात है। तो एक्चुअली में ये टिप्पणी जो क्या ये पिछला सरकार को इसलिए कर रहा है ये कानून इतना खतरा है, उन लोगों को भी तब आइडिया नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगा होगा परमानेंटली गवर्नमेंट चलाएगा, उस समय में भी बंद कोर कल्चर जो बहुत था तो कम से कम नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उन लोग का आपस में अभी भी तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये प्रोटेस्टर और ये एक्सपीरियंस का बीच में भी
कहीं ना कहीं वो लोग आपस में सही तो उचित नहीं है ये बात बोलना, लेकिन हमको ऐसा दिखाई भी दे रहा, कहीं पैदा तो नहीं उतार है पार्टी पार्टी का अंदर में अंदरूनी मामला में, हमको ऐसा कभी कभी लगता है। तो हम ए जिले में यहाँ भी हम लोगों में काफ़ी जब मुद्दा को हम उठाए तो ऐसा तो दिखाई नहीं दिया वहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी काम करेगा, ऐसा तो दिखाई नहीं दिया। वह अच्छा अच्छा ज्ञानी बुद्धि विजडम नॉलेज वाला आदमी लोग, प्रोफेसर लोग है, लेक्चरर लोग है, बहुत डॉक्टरेट लोग है, पढ़ाई करने वाला लोग, वो लोग कभी भी अंडरग्राउंड वाला काम टेररिस्ट एक्टिविटी तो काम नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। तो अभी इधर में कहीं ना कहीं ये इशू को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाईजैक करने का भी कोशिश किया कि शायद इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई इनपुट मिला होगा, तो इसलिए तो ये थोड़ा कानून को ज़ोरदार से लागू कर रहा है। और प्लस अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए और कैपिटल रीजन के लिए तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दिया तो अच्छी बात है। मेरा तो अपील रहेगा एज एन एक्सपीरियंस जितना मेरा बच्चा लोगों पे ये जितना जो स्टूडेंट को एक्सपीरियंस को ये मेरा अपील रहेगा शांति बनाए रखें, और जितना एक्टिविस्ट लोगों को भी और ये एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कीजिए, पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रोवोक नहीं करना चाहिए कोई भी, ये मेरा अपील रहेगा, क्योंकि कानून अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये एक जो ऐसा एक्ट है कि आप 6 महीना तक भी रख सकता है बिना किसी कारण में, ऐसे झूठ मूठ का। और कुछ कुछ इंटेलिजेंस लोग है, कुछ कुछ मैं तो बोलूँगा उस दिन भी हम लोगों को भी मीटिंग कहीं में बेच रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे गया, मतलब कि गलत तरीका से कोई इनपुट दे देता है, उनको भी रूमर्स को भी पुलिस लोगों को भी अच्छा से छानबीन करना है, लोगों का व्यू भी रखने नहीं दे, ऐसे भी रखने नहीं दे रहा है। यहाँ थोड़ा ऐसे हमको लगता है कि पूरा थोड़ा सप्रेस भी किया जा रहा है, ऐसा पुलिस को भी एक मतलब ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो करना है काम करना है सटीक से काम सही इंफॉर्मेशन से करना है, ना कोई लोग ऐसा कोई बोल देगा अरे ये लोग ऐसा कर रहे वैसे, वो इंटेलिजेंस का पैसा का ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है मेरा अपील। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू।